एक समय की बात है, किसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसके दो बच्चे भी थे। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को कुछ बातें बता रही थी और कह रही थी, देखो बच्चों, इस जंगल में हमसे बड़े और हैवान पक्षी भी हैं, उनसे बचकर रहना होगा। चिड़िया की ये बातें उसके बच्चे बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। और चिड़िया, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाना लाने जा रही हूँ, आज तो तुम दोनों ने कुछ खाया भी नहीं है। और ये कहकर चिड़िया वहाँ से निकल पड़ती है। और वहीं पास के पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। कौवा बहुत ही आलसी था, वह हमेशा आराम ही करता रहता था। कभी कभी खाने की तलाश में भी वह बाहर निकलता था। एक दिन चिड़िया कौवा के पास जाती है और कहती है, कौवा भैया, आप भी अपना खाना इकट्ठा कर लीजिए, आगे बरसात का मौसम आने वाला है। बरसात के मौसम में खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी परेशानी होती है। कौवा चिड़िया की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। याद है ना, आपको पिछले साल बहुत परेशानी हुई थी, मैंने ही खाना दिया था आपको। चिड़िया की ये बातें सुनकर कौवा बहुत ही गुस्सा हो रहा था। चिड़िया कहती है, याद है ना, अगले साल मैंने ही आपको खाना दिया था, लेकिन इस बार नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अरे तुम आ गई अपना ज्ञान देने, मुझे पता है बरसात का मौसम अभी बहुत दूर है, मैं अपना खाना बाद में ले आऊँगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो, मेरा सोने का टाइम हो रहा है। और कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और कौवा आराम करने लग जाता है। उधर चिड़िया अपना खाना तलाश करने में लग जाती है। इधर उधर घूमने के बाद आखिर में चिड़िया को खाना मिल ही जाता है और वह एक एक करके खाने को उठाने में लग जाती है। ढेर सारा खाना इकट्ठा करके वह निकल पड़ती है। इधर चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर में चिड़िया अपने बच्चों के पास पहुँच जाती है और खूब ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लेती है, जो कि बरसात के मौसम के लिए पर्याप्त भी था। इतना ढेर सारा खाना देखकर बच्चे उसके बहुत खुश थे। और चिड़िया कहती है, देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए कितना ढेर सारा खाना इकट्ठा कर दिया है, अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उधर कौवा परेशान हो रहा था, बरसात आने वाली थी, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और तभी बरसात भी होने लगती है। कौवा इधर उधर भागने लगता है और कहता है, अरे चिड़िया ठीक ही कह रही थी, मैंने चिड़िया की बात नहीं मानी, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, चिड़िया की बात मान ली होती और खाना इकट्ठा किया होता तो भूखा नहीं रहना पड़ता। कौवा इसी बात से परेशान था कि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था और उधर चिड़िया ने घोंसले में ढेर सारा खाना इकट्ठा कर रखा था। तो इससे क्या सीख मिलती है कि आलस कभी भी नहीं करना चाहिए।